हाय फ्रेंड्स, आज है 15 सितंबर। ये ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा और मैं बना रही हूँ केक चीकू के बर्थडे के लिए। चीकू का बर्थडे रुद्र का 16 सितंबर को है, तो इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं दो एग ले रही हूँ, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। एक बाउल है ये जिसमें मैं ग्राइंड करूँगी, ठीक है, और मिक्सर ग्राइंडर है ये, और इसमें मैं डालूँगी दो अंडे डाला है, एक कप मैंने यहाँ पे चीनी पाउडर डाला है, शुगर डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने एक कप चीनी पाउडर डाला है, शुगर पाउडर डाला है, तो हाफ कप ऑयल डालूँगी, रिफाइंड ऑयल है, कोई भी ऑयल आप ले सकते हो, आप चाहो तो मक्खन भी ले सकते हो, मगर मैं यहाँ पर हाफ कप ऑयल डाला है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ ये खाने वाला सोडा है, इसको हाफ स्पून डालेंगे, ठीक है, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे मैं हाफ स्पून इसको डाल देती हूँ इसी में, इस मिक्सर ग्राइंडर में, इसको भी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ मैं बेकिंग पाउडर लूँगी, ये लगभग 1 स्पून लूँगी, एक बड़ा स्पून लूँगी, और इसे भी मैं इस ग्राइंडर में डाल लेती हूँ। इसे ग्राइंड करना है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसे फेंटते हैं ना थोड़ा टाइम लगता है, और इसे जब एक दो बार मशीन चला देंगे तो बहुत अच्छे से सब मिक्स हो जाता है, जैसे जो चीनी है, अंडा है, सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो आप एगलेस केक भी बना सकते हो। तो चलो, इस पेस्ट को मैंने बना के एक तरफ रख दिया है। अब यहाँ पर हम लेते हैं कॉफ़ी, एक बाउल में एक बड़ा चम्मच हम यहाँ पे कॉफ़ी लेंगे, और खाने वाला जो सॉल्ट होता है, नमक लेंगे, वो हाफ स्पून से भी कम लेंगे। यहाँ देखिए मैंने कॉफ़ी निकाल लिया है, और गुनगुना पानी जो होता है 4-5 बड़े चम्मच इसमें डाल के घोल बना के इसे एक साइड में रख देते हैं, तब तक ये अच्छे से कॉफ़ी है मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने घोल बना दिया है और इसे एक साइड में हम रख देते हैं। अब यहाँ एक बड़ा बाउल लेते हैं, और इस बाउल में 2 कप मैदा, आप देख लो, आप जो भी कप लोगे तो आपको 2 कप मैदा लेना है, ठीक है। तो इसी कप से मैं 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा कोको पाउडर लूँगी, ठीक है, ये देखिए कोको पाउडर 1/2 कप से ज़्यादा है, 2 कप मैदा और 1/2 कप कोको पाउडर, इसे डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद जो हमने ये पेस्ट बनाया था मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके, इसे इसमें डाल के, और आपको इसे मिक्स करना है, काफ़ी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये देखो थोड़ा थोड़ा डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग होता है ना, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होता है, जितना अच्छा आप मिक्स करोगे आपका केक उतना ही स्पंची बनेगा, और खाने में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं ऐसे ही अक्सर केक बनाती हूँ, और इस कोरोना की वजह से मैं मार्केट से बाहर से केक मंगाना नहीं चाहती हूँ। ये देखो जो मैंने कॉफ़ी और नमक का घोल रखा था उसे भी यहाँ डाल देते हैं। अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं, डाल के धीरे धीरे मिक्स करते करते अब मैं बताऊंगी अब यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है। ये देखो मिक्स करने में थोड़ा सा हाथों में दर्द तो होता ही है, जब खाने वाली चीज़ बनाएंगे तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। तो कप से मैंने मैदा लिया था, उसी कप से मैंने 1/2 कप दूध लिया है, ठंडा दूध है, ठीक है, और इसको भी डाल के बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है, और दूध आप थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ये नहीं कि आपने 1/2 कप डाल दिया और बहुत ज़्यादा पतला हो गया। मैं कई बार केक बना चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है कि इतना ही लगेगा। आप यहाँ पर वनीला एसेंस भी ले सकते हो, मैं यहाँ कोको चॉकलेट मतलब जो एसेंस है वो ले रही हूँ, फ्लेवर को जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो फ्लेवर यहाँ डाल सकते हो। ये मैंने 1 कप मतलब जो उसका ढक्कन है ना ब्लैक कलर, 1 कप डाला है उसके ढक्कन से, और इसे बिल्कुल मार्केट वाला जो केक होता है ना बिल्कुल चॉकलेटी वैसा फ्लेवर आता है। अब यहाँ मैं रेडी मिल्क की 2 चॉकलेट पहले से मेल्ट करके रखा है, ये देखो 2 चॉकलेट, और इसे डालने के बाद जो केक का टेस्ट आता है ना यार, खाने के बाद जैसे लगता है मैंने कोई पेस्टी चॉकलेटी खा ली है, बहुत ही अच्छा, बहुत स्पंची, और मैं तारीफ कर कर के थक चुकी हूँ। आप बनाना एक बार ट्राई करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, जितना मैं मिक्स की हूँ इसमें मुझे लगा कम से कम 10 मिनट मिक्सिंग करने में। आप चाहो तो ग्राइंडर मिक्सर जार में भी डाल के ग्राइंड कर सकते हो, अच्छे से वो मिक्स हो जाता है, जैसे हमने अंडे को मिक्स किया था ना उस तरह। यहाँ पे देखिए जो बर्तन है केक का, इसमें हमने रिफाइन ऑयल मैंने नहीं राखी नहीं लगाया था, और उसके ऊपर सा मैदा डाल दिया, क्योंकि हम लोग के पास जो बटर पेपर होता है ना केक के लिए वो नहीं था, फिर भी बन जाता है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बटर पेपर रही तो ही आप लगाइए, और इसको उछाल देंगे 2-3 बार पूरी तरह, मतलब हल्का सा पुश करके। और यहाँ मैं केक को भगोने बना रही हूँ, ये देखो इसको हमने 10 मिनट पहले हीट करने के लिए रख दिया था, 10 मिनट का पहले रखा था, तो भगोना बिल्कुल गर्म हो चुका है, ढक के रखना है इसको। केक जब मैं तैयारी कर रही थी ना तभी भगोने को मैंने गर्म कर लिया था, अब इसमें स्टैंड रख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं 25 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ, गैस को बिल्कुल स्लो करके ही आपको केक बनाना, जब आप पहली बार बना रहे हो ना, वैसे यूट्यूब पर बहुत सारे केक बनाने के वीडियो पड़े हैं इसकी रेसिपी, तो आप वहाँ पर देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
और यहाँ देखिए 20-25 मिनट लगा था इस केक को बनने में और बहुत स्पंची बना है, मैंने चेक करके भी देख लिया। आज बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी क्योंकि शाम के 7 बजने वाले हैं, तो खाना भी बना रही हूँ केक भी बना रही हूँ। आज जो सब्ज़ी बना रही ये रसे वाली है, सूखी सब्ज़ी नहीं है। तो मैंने एक प्याज का तड़का दिया था, उसके बाद मैंने सारे मसाले मिक्सर में पीस लिए थे। इसके बाद हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च डाल रही हूँ घर की कुटी हुई है, और धनिया मैंने मसालों के साथ ही पीसा था। मसाले में प्याज था, लहसुन था, अदरक था, हरी मिर्च था, काली मिर्च, जीरा था, बड़ी इलायची था। गरम मसाले कम मैं यूज करती हूँ, बस मैंने आज एक बड़ी इलायची डाल दिया था जिससे टेस्ट और भी अच्छा है। और थोड़ा सा सब्जी मसाला होगा तो उसको भी लास्ट में डालूंगी, मुझे नहीं लगता सब्जी मसाला, इसलिए मैंने सारे मसालों को आज ग्राइंड करके बनाया है। जैसे गांव में सब्जी सिल बट्टे में पीस के बनाई जाती है ना, वैसे मैंने मिक्सर में पीसा है। मैंने नमक भी डाल दिया है जिससे जो मेरे टमाटर हैं जल्दी गल जाएँ, और गोभी आलू को मैंने हल्का बॉयल कर लिया था, जो भी इसके कीड़े मकौड़े हैं वो गायब हो जाएँ। मतलब गोभी में कीड़े होते हैं ना, मुझे गोभी इसलिए बिल्कुल भी नहीं पसंद है, डर लगता है कहीं कीड़े ना हो। वैसे मम्मी चेक करके लेती हैं और जब पानी में उबाल लेते हैं ना इसको, फिर पानी में मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, तो जो भी इसमें कीड़े होंगे वो ऊपर आ जाते हैं। अब इसे भून के इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी, और जब ये अच्छे से पक जाएगा टमाटर उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, और सोयाबीन भी मैं इसमें डालूंगी, वो काफ़ी लास्ट में डालती है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ पानी पीने, बहुत तेज से मुझे प्यास लगी है तो पानी, गर्म पानी पीना चाहिए। मैं ठंडा पानी की बोतल ला के रखी हूँ, ठंडा पानी पीने जा रही हूँ। ये देखो बहुत ज़्यादा आती है और गर्मी लगने भी लगी इसलिए ठंडा पानी पी रही हूँ। और पानी हमारे यहाँ किचन में नहीं पीते हैं, हम लोग बाहर ही पीते हैं। पानी पी लिया है, और ये है दाल, अरहर की दाल, ये पापा के लिए बना रही हूँ और रुद्र के लिए बना रही हूँ, दो लोग के लिए दाल बन रही है। गोभी आलू और सोयाबीन की सब्जी ग्रेवी वाली है, और एक केक तो बन चुका है, एक लेयर तैयार हो चुकी है, दूसरा मैंने रख दिया है, बस वो भी पकने ही वाला है, 5-10 मिनट में वो भी पक जाएगा। मैंने सोचा ना माइक्रोवेव में ना बनाएं, भगोने में बनाते हैं कि हमें ऊपर जाना पड़ेगा माइक्रोवेव में बनाने के लिए, केक तो नीचे रहेंगे तो दोनों काम हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा और केक भी बन जाएगा, ठीक है। और ये देखो सोयाबीन, और इस समय बेल बज रही है, शाम के 7 बज चुके हैं और राज भी आज आ रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट हम देख लेते हैं, इसको धो के डाल देते हैं। दाल धुल लिया है, अब इसमें डाल रही हूँ हल्दी, नमक डालूंगी, नमक इधर रखी हूँ। और बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता है यार, जब बहुत सारे आइटम बनाने होते हैं ना, और केक बनाते वक्त बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि देखो अभी एक बनाया है, दूसरा भी रख दिया है, वो बन रहा है, अभी 15-20 मिनट हुआ उसको रखे, मतलब 15 मिनट हुआ अभी, वो धीमे गैस को स्लो ही कर दिया, अभी उसको चेक करूँगी जहाँ 25 मिनट होगा। ये देखो यहाँ 25 मिनट हो चुका है और सब्जी मेरी बन चुकी है, मतलब बन रही है, अभी बनी नहीं है। और यहाँ देखो ये भी केक कितना स्पंची है, बिल्कुल सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा, मुझे जैसा चाहिए वैसे यहाँ चेक कर लेते। ये देखो अब इसको बाहर निकालूंगी ना, तो देखो बिल्कुल पक चुका है, क्योंकि जब पका नहीं होता ना तो उस पर थोड़ा सा चिपचिपापन होता है, तो गैस यहाँ बंद कर देती हूँ, उसे बाहर निकाल लेती। केक को रख दी हूँ ठंडा होने के बाद ही, उसे पलट के मैं निकालूंगी प्लेट में। और यहाँ देखिए सब्जी भी भून चुकी है, अब इसमें पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद सोयाबीन डालूंगी। और एक तरफ मम्मी के लिए चाय रख दी है, चाय कम काढ़ा ज़्यादा है, और सोयाबीन जो मैं इसमें डालूंगी ना काफ़ी देर बाद डालती हूँ, जब आलू और गोभी हल्की सी पक जाती तब डालती हूँ, आलू गोभी के साथ में डालती ना तो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। घर में तो ना बहुत बुरा हाल हो गया है, बस सब्ज़ी भी पकने वाली है, दाल भी पक गई है और चावल पक रहा है। तो चलिए एक सब्ज़ी मैंने पहले ही बना लिया था उसको दिखाती हूँ। और ये आप सोच रहे होंगे ये क्या लगाया मैंने फेस पे, ये चावल की क्रीम है जो मैंने बनाया था, राइस क्रीम, ये वही है। तो एक सब्ज़ी है दिखाती हूँ, ये देखो एक सब्ज़ी मेरा, एक सब्ज़ी है ये पापा के लिए, क्योंकि पापा ना मसाले की सब्ज़ी कम खाते हैं, तो नेनुआ की सब्ज़ी, तो क्या बोलते हैं नेनुआ ही बोलते हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों केक है ना मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है, थोड़ा सेट हो जाए, उसके बाद लेयर काटेंगे, 4 लेयर का केक बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उससे क्रीम लगाएंगे, और ये सारा काम अब राशि करेंगे। मेरा काम खत्म हो गया, मैंने केक बना के दे दिया है, और राशि इस पर क्रीम लगाएगी, उसे जैसे भी डिजाइन करें। मैं चल रही हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए एक रेमेडी बनाने,
तो इस समय 7.5 से ज़्यादा हो रहा है। दूसरे चने के लिए मैं रेमेडी बनाऊंगी, वो है क्रीम बनाऊंगी मसूर दाल की। ये देखो, तो चलिए इसको भी बना, तो फटाफट ही वीडियो शूट कर लेती हूँ क्योंकि 2 दिन ना मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारियाँ मुझे करनी है। कुछ भी बाहर से नहीं मंगा रही हूँ, सब कुछ घर में ही बनाना होगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको ऊपर मिलती हूँ काम ख़त्म करने के बाद। यहाँ देखिए सब्जी पक चुकी है, अब इसमें धनिया डाल देते हैं, ऐसे ढक देते हैं और इसके बाद मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी। ठीक है, और उसके बाद रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी नहाऊँगी, नहाने के बाद फिर आप लोगों से मैं अपने रूम में मिलूँगी। नहीं गंदी, बस ये लगा दूँ, ये अच्छा अभी लगाती, ये ठीक है लगाती हूँ। हैप्पी बर्थडे चिकू, हैप्पी बर्थडे, ओके लगा रही बेटा, लगा रही। ओ नो नो नो, आए ये नहीं पसंद है आपको, ये नहीं पसंद आ रहा है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मतलब ये जो टाइम होता है ना, थोड़ा भी जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो कमेंट आते हैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता यार, वीडियो मैं अपलोड भी कर देती हूँ, देखने का टाइम नहीं मिलता कि वीडियो मेरा कैसे चल रहा है। और यहाँ पे मैं अपनी ग्रीन टी जो है बना रही हूँ आजकल घर में, वो पी रही हूँ, उसका भी वीडियो बना लिया, बस अपलोड करना है। काफ़ी कुछ उसमें बचा हुआ है एडिट करने के लिए, वो कर लूँगी तो वो भी अपलोड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, किचन में बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाय फ्रेंड्स, और मैं ऊपर आ चुकी हूँ और इस समय 9 बजने वाले हैं। चिकू जी बैठ के खेल रहे हैं और चिकू के पापा भी आ चुके हैं, सारा खाना बन चुका है। ये वही पानी है जो आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि अपने मोटापे को ना, जो मेरा ये बहुत ज़्यादा निकला था, बहुत ज़्यादा फैट हो गया था 15 दिन के अंदर, 15 दिन से भी कम ही हुआ होगा। मतलब मुझे लगता है ना 1 वीक में ही मुझे असर दिखने लगा था, 1 वीक में ही मैंने अपने बढ़ते वजन को बहुत जल्दी कम किया और ज़्यादातर टमी जो बाहर आ जाती ना उसे भी कम किया है। तो बस चिकू ऐसी कट गई कि लाइट गई, चिकू सॉरी रुद्र राज बार बार चिकू 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 निकलता है। तो जल्दी बस शेयर करने वाली हूँ, रुद्रराज का बर्थडे कल है, कल 16 है, तो कल तो उसको मैं पी लेती हूँ। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा गर्म है मेरा पानी अभी, तो यहाँ पे आप देखते होगे सारी चीज़ें मैं क्यों लगा रखी हूँ। मतलब हर जगह आप देखते होगे ना, कुशन कवर है, तकिया है, वो चिकू की वजह से, चिकू जैसे सॉरी रुद्रराज की वजह से, कि वो कभी भी बेड से गिरे ना तो कहीं कोई कोना उसे ना लगे, जैसे जो है इसका कोना ना लगे, टेबल है ऐसे उसका कोना ना लगे, तो जहाँ भी गिरे भी, क्योंकि बच्चा कूदता रहता है सेफ रहे, इसलिए हर चीज़ मैं यहाँ वहाँ रखी रहती हूँ। तो ये जो मेरा पानी है ना बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, अभी इसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया, ये देखो। और पीने में बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, फिर भी अच्छा है क्योंकि जिससे फ़ायदा हो ना वो हर चीज़ अच्छी होती है। और ये जो कफ आप देख रहे हो ना, ये कफ 3 से 4 साल पुराना है, राशि ने मेरे बर्थडे पे इसको दिया था। देखो अब की क्या गिफ्ट मुझे मिलता है, राशि और यसी मेरे को गिफ्ट में क्या देते हैं मुझे खुद भी नहीं पता है। तो चल रही हूँ अब, कमरे को थोड़ा साफ करूंगी, चीकू को थोड़ा टाइम दूंगी, मतलब चीकू के साथ थोड़ी तो मस्ती करूंगी क्योंकि राज आए हैं, तो आज वो हम लोगों से नहीं मिलेंगे, लखनऊ से आ रहे हैं, तो वो कल ही हम लोगों से मिलेंगे क्योंकि ज़रूरी भी है, और अपनी अभी वो नहाने गए हैं। ठीक है, तो आ रहे बेटा, बस आ रहे, बस मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग बंद करती हूँ। नो नो, ये गिफ्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने ये गिफ्ट मंगाया था, देखो अभी अभी फेंक दिया उसको, ये पसंद नहीं आया है, अच्छा नहीं है ये, बिल्कुल भी इसको नहीं पसंद है। और उसके लिए ना मैंने बहुत सारे गिफ्ट मंगाए हैं, वो आपको चिकू के बर्थडे पे ही पता चलेगा कि मैंने क्या क्या मंगाया है। ठीक है, तो चलती हूँ, यहाँ पे ब्लॉग बंद करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो, मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक भी कर दिया करो यार। ठीक है, ओके बाय बाय।